नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आज है 15 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के इन विश्वविद्यालयों में खुलेगा करियर गाइडेंस सेंटर, ने JRF की निःशुल्क होगी तैयारी। बिहार के 26 जिलों में बनेगी 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की सड़क। पूर्व मंत्री रमई राम का निधन, बिहार के CM नीतीश कुमार ने जताया शोक। ABHA हेल्थ अकाउंट के जरिए सुरक्षित रख सकेंगे हेल्थ डाटा। बिहार में इस दिन से बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। तो चलिए अब बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन विश्वविद्यालयों में खुलेगा करियर गाइडेंस सेंटर, नेट JRF की निःशुल्क होगी तैयारी। बिहार के 7 विश्वविद्यालयों में करियर गाइडेंस सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट को नेट JRF, गेट, CSIR, PhD और MPhil की तैयारी कराई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से BRA बिहार विश्वविद्यालय पटना, विश्वविद्यालय पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, विश्वविद्यालय बोधगया, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा को चुना गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इसमें पठन पाठन शुरू करने को कहा गया है। इसके साथ ही इसके लिए अभ्यर्थी को बिहार का निवासी होना अनिवार्य बताया गया है, जहां से साल में प्रत्येक केंद्र से 240 विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे दीपाली किशोर की। दीपाली किशोर आज संगीत की दुनिया में सितारा बनकर उभरी है। दीपाली का जन्म 6 जनवरी 1989 को पटना में हुआ था। बचपन से ही संगीत प्रेमी रही दीपाली। इंडियन आइडल 3 की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। वह एक्टर जॉन अब्राहम के साथ भी नजर आ चुकी है और गोल फिल्म के एक ग्रुप सॉन्ग में अपनी आवाज दे चुकी है। कंपोजर अनु मलिक के साथ भी वह काम कर चुके हैं, तो वही भोजपुरी सीरियल में भी काम कर चुकी है। साथ ही करीना कपूर की मूवी की एंड का में जी हजूरी गाने को गाया है। बिहार के 26 जिलों में बनेगी 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की सड़क। सूबे बिहार के 26 जिलों में गांव की परिवहन व्यवस्था जल्द चमकने वाली है। करीब 1129 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क बनाने के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है, जिनको बनाने का काम बरसात का सीजन खत्म होते ही शुरू कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि 854.17 करोड़ की लागत से अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, सारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल और वैशाली जिले में ये सड़क बनेंगे। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संभावना है कि 2024 तक इनका निर्माण पूरा हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने नेपाली नगर वासियों को दी बड़ी राहत, बुलडोजर चलाने पर लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर और नेपाली नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई की। जस्टिस संदीप कुमार के समक्ष राज्य सरकार और बिहार राज्य आवास बोर्ड ने जवाब दायर किया। एकलपीठ ने सुनवाई में जानना चाहा कि जब हाउसिंग बोर्ड को खुद अतिक्रमण हटाने की शक्ति है, तो जिला प्रशासन क्यों अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की? जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने को कब कहा गया? साथ ही कोर्ट ने इस मामले के निष्पादन तक यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। पूर्व मंत्री रमई राम का निधन, बिहार के CM नीतीश कुमार ने जताया शोक। सरकार के पूर्व मंत्री रमई राम का बीते दिन निधन हो गया। उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। रमई राम के निधन पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने भी शोक जाहिर किया है, साथ ही कई राजनेताओं ने भी शोक जताया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। लगातार मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट से 9 बार चुनाव जीत चुके हैं, साथ ही बिहार सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाल चुके थे। वे 40 साल विधायक रहे और 20 साल मंत्री रहे। वहीं बिहार में अब तक इतने लंबे समय तक मंत्री और विधायक कोई भी नहीं रहा। उनका अपना अलग वोट बैंक था। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 30 पदों पर भर्ती के लिए निकाली रिक्तियां। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने शिमला हिमाचल प्रदेश सर्किल ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 30 पदों पर भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। स्नातक या डिप्लोमा पास उम्मीदवार जिनकी अधिकतम उम्र 25 वर्ष है, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारी और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस वीडियो के नीचे पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। विस्तृत जानकारी के लिए आप भारत संचार निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.bsnl.co.in को चेक कर सकते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान की बदली आबोहवा। राजधानी पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की आबोहवा बदल चुकी है। यह बदलाव उद्यान की हरियाली से आई है। आपको बता दें कि संजय गांधी जैविक उद्यान में 84% हरियाली है। उद्यान के गेट से लेकर अंदर जगह जगह पेड़ पौधे हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही चहुं और दिखती हरियाली दर्शकों को काफी सुकून देती है। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि किसी जंगली क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हों। वहीं जू प्रशासन के अनुसार उद्यान के कुल क्षेत्रफल में 84% ग्रीन कवर है। यह रिकॉर्ड हाल ही में दर्ज किया गया है। जू में फिलहाल 30,000 से अधिक की संख्या में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि लोगों को हरियाली का एहसास कराते हुए स्वच्छ वातावरण की भी अनुभूति प्रदान कराते हैं। बिहार में इस दिन से बदलेगा मौसम, गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार इन दिनों मानसून सुस्त बना हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि जुलाई महीने में बारिश कम होगी। ऐसे में बारिश की जो स्थिति है उसके अनुसार प्रदेश में अब तक 38% से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले सप्ताह से यानी कि 19 जुलाई से प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान विभाग ने किसानों को लेकर अपडेट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि कार्य खासतौर से धान रोपनी को लेकर आप एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। जल्द ही खुलेगा एक और मेडिकल कॉलेज अस्पताल। सूबे के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही बिहार का एक और मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल खुलेगा, जो कि सुपौल जिले में खुलने वाला है। इसके लिए बिहार सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके तहत 600 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के नाम पर भी मुहर लग चुकी है। इसका नाम लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसमें MBBS के छात्रों के लिए 150 सीट और अस्पताल के लिए 630 बेड तैयार किए जाएंगे। साथ ही साथ 11 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 830 बेड वाले हॉस्टल के निर्माण की मंजूरी भी दे दी गई है। इसका निर्माण से उत्तरी बिहार के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को मिलेगी विशेष सुविधा। बिहार में सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया अब सेंट्रलाइज होगी, यानी कि अब अभ्यर्थियों को घूम घूम कर आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी जिन जिलों की नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन भरना चाहेंगे, उन्हें उसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। मालूम हो कि अभी तक यह प्रक्रिया केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज नहीं थी। अभ्यर्थियों को आवेदन देने के लिए या तो खुद नियोजन इकाइयों में जाना होता था या फिर उन्हें डाक के द्वारा आवेदन भेजना होता था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक विभाग की सोच यह है कि काउंसलिंग भले ही नियोजन इकाई से हो, लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड हो। बिहार में जल्द बनेगा राम जानकी मार्ग, सिवान से मसरख तक बनेगी 4-लेन सड़क। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले फेज का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। इस क्रम में बिहार के सिवान से मसरख तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4-लेन सड़क बनेगी। इस पर कुल 1027 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि राम जानकी मार्ग के इस सड़क के हिस्से में पूरे 4 बाईपास का निर्माण किया जाना है। आपको बता दें कि बिहार से जाने वाली राम जानकी मार्ग के पहले 2 लेन की सड़क की स्वीकृति दे दी गई है। हालांकि बिहार सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से इसे 240 किलोमीटर लंबी रोड को 4 लेन में बनाने का अनुरोध किया था, जिसे मंत्रालय ने मान लिया। बिहार के सोनपुर मेला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सोनपुर मेला बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर अवस्थित सोनपुर में गंडक के तट पर हर साल लगने वाला एक विश्व प्रसिद्ध मेला है। यह राजधानी पटना से 25 किलोमीटर और वैशाली के हाजीपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाला यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला भले ही पशु मेला के नाम से विख्यात है, लेकिन इस मेले की खासियत यह है कि यहां सुई से लेकर हाथी तक की खरीदारी आप कर सकते हैं। NCB के दावे के बाद सुशांत सिंह के चचेरे भाई व मंत्री नीरज बबलू ने कही बड़ी बात। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में हाल में NCB ने नई रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और 34 अन्य लोगों पर नशीली पदार्थों की सप्लाई करने का चार्ज लगाया गया है। तो वहीं इस कार्रवाई के बाद सुशांत के चचेरे भाई व बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने रिएक्शन दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये बातें हम लोग पहले से ही कह रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार बदलने के बाद अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है। यह सुशांत के फैंस के लिए अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिजनों को बस इस बात का इंतजार है कि दोषियों को सजा कब मिलती है।
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ श्रावणी मेले का उद्घाटन। बीते शाम बागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेला 2022 का विधिवत उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हो गया। कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मंत्री सम्राट चौधरी, शाहनवाज हुसैन समेत कई कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे। इस दौरान सभी ने एक साथ दीप प्रज्वलित कर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि अजगैबीनाथ मंदिर के पास श्रावणी मेला बहुत फेमस है। पूरे सावन महीने में लाखों श्रद्धालु कावड़ में जल भरने सुल्तानगंज पहुंचेंगे, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। तो वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए कलाकार भी बुलाए गए हैं। फेमस डीजीपी अभयानंद अब लेखक के रूप में आएंगे नजर। बिहार के पूर्व डीजीपी व सुपर 30 संस्थान के संचालक रहे अभयानंद अब नई भूमिका में लोगों के सामने नजर आए हैं। दरअसल उन्होंने अपनी एक किताब जारी की है। उन्होंने अनबाउंड माय एक्सपेरिमेंट विद लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30 नाम से एक किताब लिखी है, जिसे अगले महीने की 5 तारीख यानी कि 5 अगस्त से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन से खरीदा जा सकता है। आपको बताते चले कि किताब का अंग्रेजी संस्करण तैयार हो चुका है। रूपा प्रकाशन से पब्लिश्ड यह किताब कई चैप्टरों में बटी है। तो वहीं किताब लिखने के बारे में बात करते हुए पूर्व डीजीपी ने बताया कि कोरोना के दौरान 2 साल तक घर में रहने पर उनके मन में पुस्तक लिखने का ख्याल आया था, जिसके बाद उनके कुछ प्रशंसकों ने भी उन्हें किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। IIM बोधगया में प्रोफेसर समेत 26 पदों पर निकली बहाली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM बोधगया में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बहाली निकली है, जिसके तहत कुल 26 खाली पदों को भरा जाना है। इसके तहत इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें SC कैटेगरी के लिए 5 पद, ST के लिए 3, NC OBC के लिए 12, EWS के लिए 4 और PWD के लिए 2 पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार IIM की आधिकारिक वेबसाइट IIMBG.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त है। पटना में शुरू हुआ उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप ग्रामीण महिला उद्यमियों को उत्पादों के लिए मिला मंच। अब बिहार की ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। महिला और बाल विकास निगम ने महिला उद्यमियों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप का मंच उपलब्ध कराया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में बिहार के ग्रामीण परिवेश की महिला उद्यमियों को उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, हैंडलूम, खाद्य पदार्थ, आर्ट और क्राफ्ट, मधुबनी पेंटिंग, टिकुली आर्ट, सज्जा जैसे कई सामग्रियों को बेचने के लिए एक मंच मिला है। राजधानी के डाक बंगला चौराहा के पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण भवन में बनाए गए इस आउटलेट का उद्देश्य महिला उद्यमियों और शिल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्रियों के लिए न केवल एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, तो बल्कि उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी कार्य करना है। आज पटना आ रहे हैं विपक्ष के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। बिहार का दौरा करने के लिए आज संयुक्त विपक्षी दल की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राजधानी पटना आ रहे हैं। शाम 3 बजे वे पटना के मौर्य होटल में महागठबंधन के नेताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजद समेत विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का स्वागत किया जाएगा। आपको बताते चले कि राजद समेत महागठबंधन के सभी दलों ने बीते सोमवार को ही यशवंत सिन्हा को वोट और समर्थन देने का फैसला किया था। आपको बताते चले कि यशवंत सिन्हा का बिहार से गहरा रिश्ता रहा है। उनकी पढ़ाई पटना से हुई और पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में MA भी किया है। शिवानंद तिवारी ने बीजेपी को बताया राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने वाला। दिल्ली में नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ के शेर को लेकर बिहार में भी विपक्षी नेता हमलावर हो रहे हैं, जिसके तहत अब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं करती है। राष्ट्रध्वज हो या फिर अन्य राष्ट्र प्रतीक, भाजपा उसे मूल स्वरूप में स्वीकार नहीं करती है। दरअसल उन्होंने ये टिप्पणी खास तौर पर पूर्व डिप्टी CM व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के उस बात पर की है, जिस पर मोदी ने कहा था कि विपक्ष केंद्र सरकार के हर काम में खोट निकाल लेता है। इसी पर तंज कसते हुए शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी को दोनों सदनों के नियम कानून समझने की बात कही। घर बैठे ऐसे पता करें नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस का एड्रेस। अक्सर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनके शहर में पासपोर्ट ऑफिस कहां पर है, जहां जाकर वे अपना पासपोर्ट बनवा सके। हालांकि बिना भाग दौड़ किए भी आप घर से ही ऑनलाइन माध्यम से पासपोर्ट सेवा केंद्र या फिर पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के बारे में पता कर सकते हैं। इसके तहत आप इन केंद्रों के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने शहर के हिसाब से अपने पिन कोड के नजदीक स्थित ऑफिस की जानकारी वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट पर देश भर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों की जानकारी दी गई है।
ABHA हेल्थ अकाउंट के जरिए सुरक्षित रख सकेंगे हेल्थ डाटा। भारत सरकार द्वारा 2021 में लॉन्च किए गए स्कीम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए आसानी से हेल्थ डाटा को सेव और कहीं भी आसानी से शेयर किया जा सकेगा। इसके तहत आपको 14 अंकों की ABHA नंबर जेनरेट करना पड़ेगा, जो कि आपका यूनिक हेल्थ आईडी होगा। इसे किसी व्यक्ति के आधार और मोबाइल नंबर के जरिए healthid.ndhm.gov.in पर जाकर जेनरेट किया जा सकता है। आपको बताना चले कि आभा एक डिजिटल आईडी कार्ड है, जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकता है। ऐसे में हॉस्पिटल जाने के समय आप अपने रिकॉर्ड्स को ढोने की झंझट से बच सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज ही के दिन साल 1611 में आमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जयसिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1883 में प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी जमशेद जी जीजाभाई का जन्म हुआ था। आज ही के दिन साल 1903 में भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज का जन्म हुआ था। साल 1909 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश की प्रथम महिला नेता दुर्गाबाई देशमुख का जन्म हुआ था। साल 1926 में आज ही के दिन बॉम्बे में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई। साल 1937 में आज के दिन हिंदी के जाने माने पत्रकार प्रभास जोशी का जन्म आज के दिन हुआ था। साल 1984 में पंजाब में सिख समुदाय के अशांत होने के बाद पंजाब को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र आज के दिन घोषित किया गया था। साल 2011 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV-C17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। BCCI की चयन समिति ने गुरुवार को वेस्ट इंडीज दौरे पर होने वाले 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दरअसल इंग्लैंड सीरीज के बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज और फिर उसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। वनडे स्क्वाड का ऐलान तो पहले ही हो गया है, जिसमें शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है। तो वहीं T20 इंटरनेशनल सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे, जबकि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह का नाम स्क्वाड में नहीं है। केएल राहुल की टीम में वापसी हुई है, लेकिन उनके फिटनेस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि युजवेंद्र चहल का नाम स्क्वाड में नहीं है। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी हुए गिरफ्तार। पंजाबी गानों के फेमस सिंगर दलेर मेहंदी को बीते शाम पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर 15 साल पुराने मामले को लेकर दर्ज हुए केस के तहत गिरफ्तारी की गई है। दरअसल साल 2003 में मानव तस्करी कबूतरबाजी से जुड़े मामले में दलेर और उनके भाई समेत 31 लोगों पर केस दर्ज हुआ था। उन पर गैर कानूनी रूप से लोगों को विदेश भेजकर मोटी रकम लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्होंने याचिका भी डाली थी। हालांकि अब इस मामले में निचली अदालत ने 2 साल जेल की सजा को बरकरार रखा है। बिहार में मिले कोविड-19 के 400 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 497 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2596 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 11, अरवल में 11, औरंगाबाद में 4, बांका में 4, बेगूसराय में 24, भागलपुर में 25, भोजपुर में 8, दरभंगा में 7, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 18, गोपालगंज में 3, जहानाबाद में 13, कैमूर में 3, खगड़िया में 28, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 2, मुंगेर में 8, मुजफ्फरपुर में 50, नालंदा में 5, नवादा में 1, पटना में 178, पूर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 23, समस्तीपुर में 9, सारण में 11, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 7, सुपौल में 10, वैशाली में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावे 6 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,20,170 सैंपल की जाँच की गई। इस दौरान 409 मरीज ठीक होकर घर वापस। कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया है उनके नाम है मिसबाह अदनान, अंशु कुमारी, बलराम यादव, गौतम कुमार, नरेश राम, रशीद अंसारी, जितेंद्र रविदास, अतीक खान, पवन सिंह, जीवच पासवान, बासुकी पंजियार, मोहम्मद सकीम, बिट्टू शर्मा, पंकज कुमार, निर्मल कुमार, रवि, पिंटू महतो, रविशंकर, पंकज कुमार, बिट्टू महतो, रणजीत मिश्र, सज्जन कुमार झा, राजा कुमार, मनोज कुमार, नूनू कुमार, धर्मेंद्र पंडित, शंकर मुखिया,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में सड़कों के निर्माण क्षेत्र में हो रहे काम से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें और साथ ही बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।